खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर और बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से वर्सोवा विद्या मंदिर में पढ़ रहे बच्चों को किताबें और कंपास बॉक्स बांटने का काम बड़े पैमाने पर किया गया। इस मौके पर बच्चों से बात करते हुए उन्हें सेफ्टी प्रिकॉशन और सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही सभी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। साथ ही सुंदरी ठाकुर बच्चों से मिलकर खूब मस्ती करती भी दिखाई दी। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा हर साल एक अनुभूति प्रोग्राम करता है और गरीबों के लिए जो पुअर बच्चे लोग हैं या पुअर लेडीज हैं या जो भी है तो उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा हेल्प करती है, हमेशा हर साल करती है। तो ये साल के लिए मैं ये स्कूल में आई हूँ, जो बच्चे गरीब हैं उनको थोड़ा एक्टिविटी और अच्छा थोड़ा सा जो हेल्प हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा से जो हेल्प हो सकता है वो हेल्प हम लोग करने के लिए तैयार हैं और करते आ रहे हैं हर साल से। स्कूल की तरफ से तो अच्छा रिस्पांस रहा है और जो बच्चे हैं वो भी खुश हो गए हैं, ये करने के बावजूद वो खुश हो गए हैं। और ये बच्चों को अगर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देश के लिए भी यही भवितव्य है, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा आगे, तो वो हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा थोड़ा कर रही है, लेकिन अच्छा कर रही है। हमारी बैंक जो उनकी मातृभाषा है वही हिसाब से शिक्षण मिलना चाहिए। जैसे अभी आजकल मराठी लैंग्वेज है ये बहुत कम होती जा रही है, ऐसे नहीं, मैं भी हूँ महाराष्ट्र से हूँ, मैंने भी मराठी में पढ़ाई की है। इसका वजह ऐसे नहीं कि मराठी में हम लोगों को बाकी का कुछ नहीं आता है, ऐसे नहीं है। तो अगर आप जो महाराष्ट्रियन हैं उनको मराठी में पढ़ाओ, उनकी मातृभाषा में पढ़ाओ तो अच्छे समझ में आ जाता है। लेकिन जो मराठी जो लैंग्वेज करते हैं, जो मम्मी पापा है या मदर फादर है, उनको इंग्लिश 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 में तो शुरू शुरू में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उनका क्या होता है, ज्ञान भी उनका बहुत कम हिसाब से और पढ़ नहीं पाते वो लोग, और विकास भी नहीं होता है उनका अच्छे से। इसीलिए अगर मराठी लैंग्वेज में अगर उनको पढ़ाई देते हैं, वो खुद भी मराठी में बात करते हैं, स्वतः मराठीत बोलतात, तर स्वतः मुलांना मराठीत शिकवलं की ते त्यांना जास्त कळेल आणि चांगले पुढे जातील लवकरात लवकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बैंक ऑफ बड़ौदा से मेरा आज से 30 साल पुराना नाता है, तो और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरे बैंक के अच्छे, मतलब बहुत अच्छी इनका जो काम है बैंक का, मैंने देखा है कि बहुत अच्छा और बहुत मेहनत से करती हैं ये काम। ये जो दोनों आजू बाजू बैठी है ना, ऑलवेज मैं चिल्लाती, कोई फंक्शन को बस एक इमरजेंसी आ गया, अभी भी मुझे आधा घंटा गाड़ी में बिठाया, उनकी इमरजेंसी ख़त्म नहीं होती क्योंकि लोग जाने नहीं चाहिए उनके बैंक से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो इतना ज़्यादा, इसलिए बड़ौदा बैंक आज आप देख रहे हैं इतना अच्छा स्कोप है उसका, इंटरनेशनल बैंक हो चुका है, मतलब ऑलरेडी है ही, और अब उसका अच्छा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है बैंक की। तो अगर बैंक ये चीज़ें करती है तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो कहती हूँ जितनी भी ब्रांचेज हैं वो ये करें तो बहुत अच्छा लगेगा उनको खुद को भी। और मुझे तो आपको पता है हॉस्पिटल में ऐसे बच्चों का करना ऑलवेज बहुत पसंद है, जो मैंने बच्चों को बोला वो ज़रूरी हो गया कि हर स्कूल में ये चीज़ें बच्चों को एवरी वीक एवरी 15 डेज में दोहराई जाए, क्योंकि बच्चे रहते माइंड से निकल जाता है। तो एक 5 मिनट टीचर अगर बच्चों को ये सब्जेक्ट पे बता दे, ओनली विद इन 5 मिनट्स ये चीज़ को दोहराए एवरी 15 डेज में, तो वो बच्चों के माइंड में हमेशा रहेगा और शायद वो बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि हम एक बार बता के और भूल जाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो फिर भूल जाते हैं और बातों में आ जाते हैं। ताकि हम अगर रिपीट रिपीट ये चीज़ें बच्चों को उनके बारे में बताते रहे, इससे बात मत करो, उससे अगर वो कुछ बोलता है तो उनको दिमाग में रहेगी एवरी, अगर हम 15 डेज में, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता, कोई कोई पेरेंट्स तो अपना नाम भी लिखना नहीं जानते, इसलिए आज उनके बच्चों को वो इतनी मेहनत करके, जो पहले आज आपने देखा जो सर्वेंट्स वगैरह थे कितनी कमी आ गई है बिकॉज ऑफ दिस, कि अभी उनके जो बच्चे हैं वो भले कटका मारे, झाड़ू मारे, किसी के घर में कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन अपने बच्चे को इस फील्ड में लाना नहीं चाहते।
तो ये मेरा सबसे कि उनके कितनी बड़ा योगदान है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों को कहीं गलत रास्ते पे या उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए ताकि उनकी मेहनत जाहिर ना हो। तो मैं यही कहूँगी अपने स्कूल से, और सर से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सर आपका स्कूल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप जो बच्चों के जिस फील्ड के बच्चों को, एक लोअर क्लास के बच्चे सारे इसमें पढ़ते हैं और वो खुश हैं, सारे पेरेंट्स खुश हैं। मैं भी इतने साल से कितने ही मैंने फंक्शंस किए हैं और आई भी हूँ, मैं ऑलवेज मैंने सुना भी है, बट उसमें कितनी मैंने डे बाई डे एवरी ईयर्स इस स्कूल को मैंने आगे बढ़ते देखा है। तो आगे तो जब भी बढ़ेगा, जब उसका कुछ बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो नज़र आता है। अभी बिल्डिंग भी पीछे रेडी हो गई है, तो मतलब अभी तो डे बाई डे इसको पढ़ ही रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर, जो मैंने कहा कि एवरी 15 डेज में ओनली विद इन 5 मिनट्स बच्चों को इसको रिपीट करा दिया जाए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो एवरीथिंग इज गुड, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और वो आगे बढ़े, पढ़ते रहें, और पेरेंट्स को वो कभी ना उम्मीद ना करें। मैं बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को ना उम्मीद ना करें, क्योंकि बहुत मुसीबतों से वो आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप कट का झाड़ू ना दें। आप जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, आप उस कुर्सी पे बैठेंगे तो हमें गर्व होगा कि वाकई ये हमारे देश का भविष्य है। सो थैंक यू सो मच सलामत जी, और सर थैंक यू, मैडम थैंक यू कि आपके ज़रिए से मुझे कहने का मौका मिला। जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो आज बच्चों के लिए जो उपक्रम रखा है, उसके जो गरीब बच्चे, तो उसका वो बच्चे बहुत बेनिफिट लेने वाले, तो उसके लिए हमारे इधर डीएन नगर पुलिस स्टेशन के जो लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर, हवलदार, ये लोग आते हैं और बच्चों को वो भी मार्गदर्शन करते हैं। तो बच्चों को उनके क्लास में जाते और उनको बोलते हैं, तुमको कोई तकलीफ होगी, कोई आजू बाजू वाला कुछ प्रॉब्लम करता होगा, कुछ करता होगा, ये सब पुलिस डिपार्टमेंट के ही हमारे पास ऐसे क्लासेस होते हैं। और हमारे टीचर्स तो सब उस बारे में बार बार वो दोहराते हैं, तो इसके लिए ये संदेश तो बच्चों को उनसे मिला, और ऐसा ही हम आगे फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम रखेंगे और चालू रहेगा।